हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। और मेरा नाम राम कुमार है और मैं हिंडोन सिटी का रहने वाला हूँ। मैं मोटर बैंडिंग काम करता हूँ। और कोई भाई अगर मोटर बैंडिंग काम सीखता है ना तो मुझे बताए, मैं उनके लिए कुछ बताऊँगा, उनकी हेल्प करूँगा। और भाई मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और आप भी चैनल बनाओ, आप भी मेहनत करो यूट्यूब पर। मैं भी आपकी वीडियो को लाइक करूँगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। भाई हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना तो अभी आगे बढ़ेंगे। और तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़ो। आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ भाई, कुछ ना कुछ तो बनाओ यार। तो जीवन में जो गरीब रहोगे क्या भाई, गरीब बहुत बुरी चीज़ होती है भाई दोस्तों, गरीब बहुत बुरी चीज़ होती है भाई। आप में हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, अतः आप जानो को नौकरी में पार पड़ती है, कुछ नहीं होता। महंगाई के दौर में भाई 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं हमें, इससे क्या होता होता है, कुछ नहीं होता। पर क्या करें, घर तो चलाना पड़ता है। कंपटीशन इतना है कि अपन कहीं भी गए 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए तो 10 हज़ार मिल देता। तो उससे पहले हमसे पहले बहन जो अगला बंदा 8 हज़ार की नौकरी कर रहा है ना भाई, अगला 10 हज़ार क्यों देगा। तो यही कारण है कि अपन जैसे लोग नौकरी करते हैं। और आगे भगवान की मर्जी दोस्तों, भगवान क्या चाहता है। ऐसे के मुझे ये बताओ, आप में से कौन कौन से ऐसे भाई हैं जो नौकरी करते हैं, और ये भी बताओ नौकरी से कौन कौन खुश हैं, जो भी प्राइवेट सरकारी नहीं भाई सरकारी हो तो हमारी मौज हो जाती है यार, सही है ना। चलो भाई हंसते लिया करो यार कि मैं और बढ़िया हो भाई। सब लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो जीवन में कुछ नहीं है कि इंसान ज़िंदगी भर काम के चक्कर में और कहीं जाने चाने चक्कर में यूँ ही फंसा रहता है। सच्चाई यही है, इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हंसते रहो, मुस्कराते रहो। और देखो अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए हमें, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़े भगवान हैं। अगर आपका कोई संग नहीं देगा ना उस टाइम पर, हमारे माँ बाप संग देते हैं। हाँ कुछ लोग यूँ कह रहे होंगे भाई माँ बाप संग देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों माँ बाप ऐसे होते हैं कि शादी के बाद उसकी स्थिति से कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसमें सर ये तो होते हैं बाप। आप जो सोच लेंगे ये बंदा बाप की क्यों कह रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो अपन जैसे कि पिताजी होते हैं हमारे, शादी कर देते हैं उसके बाद वो कहते हैं भैया वो अपना तू संवार, हमें कोई मतलब नहीं है, अब तू संवार भैया तेरी, अब तो लिए पत्नी ले आए तू संवार। उसके बाद बच्चे को छोड़ता अकेला, इसलिए मेहनत करो पैसा कमाओ भाई। भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दंगा हूँ बिल्कुल चलो बढ़िया, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सेठ की दुकान है देखो भाई। और 2-3 जने लग रहे हैं, वो आज चले जाते जल्दी, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ 7-1 बजे तक। और दोस्तों अगले बार हम मिलते हैं आपसे कुछ बताने के लिए यार, क्या वो मेरा टाइम पास तो होता नहीं, और आपसे मिलकर आपको कुछ बताकर मैं आपसे कुछ अच्छी सलाह लूँ। मैं क्या भाई नया यूट्यूब पर आया हूँ तो मुझे क्या थोड़ी बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ी बोल देगा ना सहारा तो मैं ज़रूर और अच्छी वीडियो बना कर रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।